डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। हम ऑलरेडी एक चीज़ जान चुके हैं कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो डिटरमाइन की जाती है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा था सर, अगर आपको याद हो, ये हमने मार्केट मैकेनिज्म प्राइसिंग चैप्टर लेसन वन में पढ़ा था, है ना। लेसन वन में हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करते हैं वेयर द डिमांड एंड द सप्लाई फोर्सेस इंटरैक्ट और व्हेन दे कोइंसाइड ईच अदर, व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में ये स्टडी किया था कि सर हमारे लिए अगर हम एक नॉर्मल इकोनॉमी में डील कर रहे हैं, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर हम अपना प्राइस रखते हैं, यहाँ पर हम अपना क्वांटिटी रखते हैं, है ना, ये हमारा ओरिजिन है। हमारे लिए जो डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो डील करती है एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दिस इज़ अ डिमांड कर्व, राइट। हमने बोला चैप्टर नंबर 4 में, प्रीवियस लेसन में हमने ये स्टडी किया कि हमारे लिए जो सप्लाई कर्व है, आई रिपीट माई सेल्फ, हमारे लिए जो सप्लाई कर्व इट इज़ लाइक अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, है ना। सर ये जो यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है ना, ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व इक्वेट कर रहा है, इक्वल है, मतलब वेयर माई डिमांड इज इक्वल टू माई सप्लाई। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है वो जब एक दूसरे की इक्वल होती है, सर ये हमारे लिए कहलाती है इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब एक रैशनल कंज्यूमर इस प्राइस पे डिमांड करना चाहेगा और एक रैशनल सप्लायर इस क्वांटिटी को सेल करना चाहेगा। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। अगर आप देख सकते हो सर, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दिया, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि हाउ इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिफाइंड, मतलब कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक मार्केट जो है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रिएट करा गया है प्रोड्यूसर्स की सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को मीट करने के लिए। अ मार्केट फॉर अ गुड वर्क थ्रू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट गुड, मतलब एक गुड का जो प्राइस है या वो मार्केट डिटरमाइन करता है, रन करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज फॉर दैट पर्टिकुलर गुड, है ना। सर इस पर्टिकुलर जगह पर, मतलब ये जो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ई पॉइंट है, सर इस पर्टिकुलर ई पॉइंट पर मेरे जो बायर्स हैं, मेरे जो कंज्यूमर्स हैं, है ना, वो कंज्यूम करना चाहेंगे, मतलब वो डिमांड करेंगे, इस प्राइस को पे करने के लिए वो रेडी हैं। और सर इस प्राइस पे मैंने जो क्वांटिटी मांगी है, डिमांड करी है, उतनी ही क्वांटिटी सामने वाला इंसान, मतलब जो मेरा सप्लायर है ना वो भी मुझे प्राइस देने को तैयार है, वो भी मुझे बेचने को तैयार है। भाई सीधी बात है ना, मैंने बोला ये रिमोट है मेरे पास, ठीक है, रिमोट मेरा है, दैट मीन्स आई एम द सप्लायर हेयर। मैंने बोला मैं ये रिमोट तुम्हें 100 रुपये में दूंगा, अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे तभी मैं तुम्हें ये रिमोट दूंगा, ठीक है। सामने वाले बंदे ने क्या कहा, सामने वाला बंदा कौन हो गया, मेरा कंज्यूमर हो गया। सामने वाले बंदे ने कहा यार 100 रुपये में एक रिमोट तो नहीं लूँगा मैं, हाँ लेकिन अगर तुम मुझे रिमोट दो रिमोट देगा 100 रुपये में तो मैं ले लूँगा। तो दैट पर्टिकुलर पर्सन द कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू बाय दिस रिमोट एट 100 रुपीज़, वन रिमोट फॉर 100 रुपीज़ वो खरीदना नहीं चाहता, लेकिन वो 2 रिमोट फॉर 100 रुपीज़ खरीद सकता है। अब इफ आई एम ऑल्सो रेडी टू गिव 2 रिमोट्स फॉर 100 रुपीज़, एट दैट टाइम हम दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मैं इस रिमोट की डील कर दूंगा उस कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर वो रिमोट ले लेगा, काम खत्म। लेकिन इफ आई एम नॉट रेडी टू सेल दिस रिमोट एट 100 रुपीज़ फॉर 2 रिमोट्स, इन दैट केस मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू नेगोशिएट। नेगोशिएशन में क्या होगा, थोड़ा प्राइस मैं कम करूँगा, थोड़ा प्राइस वो बढ़ाएगा, वो बोलेगा एक काम करते हैं चलो आप 75 रुपीज़ में मुझे 1 रिमोट दे दो। मैंने कहा चलेगा, चलो 75 रुपीज़ में 1 रिमोट ले लो, लेकिन मैं 2 रिमोट्स आपको 100 में नहीं दे पाऊँगा, है ना।
राइट तो ये चीज़ हो गया, हमने एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन किया, तो ये नेगोशिएशन करने के वजह से क्या हुआ, हम एक इक्विलिब्रियम प्राइस पर आ गए, हम एक इक्वल प्राइस पर आ गए, जहाँ पर जिस प्राइस पे मैं इस कमोडिटी को आपको देने के लिए रेडी हो गया, ठीक है, मैं इस प्राइस पे आपको ये कमोडिटी देने के लिए रेडी हो गया। मैं कौन हूँ, मैं हूँ सेलर सप्लायर, आप जो कि बायर हो कंज्यूमर हो, आप उस प्राइस पे जिस पे मैं बेचने को तैयार हूँ, आप उस प्राइस पे खरीदने को रेडी हो गए, तो आप कौन हो गए, आप हो गए कंज्यूमर, है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इस चीज़ के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने दे दिया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एट दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो बायर एंड सेलर दोनों रेडी हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, इसी को बस आपको अंग्रेजी भाषा में बना के लिखना है, जो मैंने आपको भी बताया, बस इसी चीज़ को आप अंग्रेजी भाषा में बना के लिखोगे। व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द बायर इज रेडी टू द बायर इज रेडी टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द सेलर इज रेडी टू सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी, है ना, एट अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड चीज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द बायर इज रेडी टू बाय द क्वांटिटी दैट द बायर इज रेडी टू बाय एट एन इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना, एंड द सेलर इज रेडी टू सेल एट द इक्विलिब्रियम प्राइस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो कितनी ईजी डेफिनेशन हो गई, हमने पहले समझा हिंदी में क्या था, कॉन्सेप्टली समझा, कॉन्सेप्चुअल समझ कर हमने बता दिया भैया जहाँ पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई फोर्स मैच करता है। सर हमने थर्ड पॉइंट पर लिख दिया, सर इक्विलिब्रियम प्राइस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन अ मार्केट एट अ प्रिवेलिंग पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। सर मेरा जो ये प्राइस है क्या ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है सर, ये चेंज, ये कोई प्राइस फिक्स थोड़ी ना है, ये तो प्राइस आज का है, अभी का है, प्रेजेंट का है, ये प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है, क्योंकि हो सकता है जब मेरे और बायर के बीच में इस रिमोट को लेकर नेगोशिएशन हो रही थी, अचानक से ये रिमोट जो एक्सटिंक्ट हो गया, अब भाई मैं 75 रुपये में नेगोशिएट थोड़ी ना करूँगा, मैं तो बोलूँगा भैया 125 में दो, मैं तो नहीं दे रहा, 100 रुपये में भी नहीं दे रहा, 100 रुपये का प्राइस भी गया, राइट। अब रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, हर कोई बेच रहा है इस रिमोट को, भाई ये काम करना तो 50 में दो ले जा, ले जा ले जा ले जा, तो ले जा, कोई टेंशन नहीं है, है ना। तो मतलब मेरी प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, वो बार बार चेंज हो सकती है एट अ पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेज अवेलेबल। हमारे को यहाँ पे मार्केट फोर्सेज पे डिमांड नहीं देना, हमें यहाँ पे मार्केट फोर्सेज स्टडी नहीं करने, हमें यहाँ पे बस स्टडी करना है कि कब हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। हम उन मार्केट फोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पर हम जॉइंटली डिमांड एंड सप्लाई के मदद से निकालते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपको बोला है प्राइस, देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा। देख लीजिए डिमांड शेड्यूल में क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए यहाँ पे, ये क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए, सप्लाइड नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए, हो जाती है बुक्स में भी कभी कभी थोड़ी बहुत गलती, तो देख लो ये कम हो रहा है, देखो डिमांड रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई शेड्यूल में अगर आप देखोगे सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। सर जिस पॉइंट पे हमारे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ये हमारी क्या हो गई, सर ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, 22.5 बिकम्स माय इक्विलिब्रियम प्राइस, सर 20 बिकम्स माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये बिकम्स माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, देख लीजिए इक्विलिब्रियम अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अब देखो सप्लाई बढ़ता जाएगा, डिमांड कम होता जाएगा, सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। सर ये वाली जो सिचुएशन है ना, जहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरा जो डिमांड है वो मेरा ग्रेटर देन द सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है ना, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड, ठीक है। सर ये वाली जो सिचुएशन है ना, जहाँ पर आप कह रहे हो कि मेरा डिमांड कम है सप्लाई से, या मैं कह सकता हूँ सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो क्या मैं इस सिचुएशन को कह सकता हूँ, दिस इज़ माई एक्सेस सप्लाई। सर यही कॉन्सेप्ट है जो आगे उन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के दे रखा है। अगर आप देख सकते हो ये मेरा डिमांड कर्व है, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं अपने वाले डायग्राम में ले जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई। सर ये वाली जो सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये ज़्यादा है ये कम है,
है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, देखो मैं सप्लाई ज़्यादा कर रहा हूँ, डिमांड कम कर रहा हूँ, तो ये मेरी सिचुएशन क्या कहलाएगी? एक्सेस सप्लाई। सर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? सर यहाँ पर मैं सप्लाई कम कर रहा हूँ लेकिन डिमांड ज़्यादा कर रहा हूँ, आई एम डिमांडिंग मोर, तो ये मेरी सिचुएशन क्या कहलाएगी? एक्सेस डिमांड। ठीक है बेटा, इसी चीज़ को देखो इन्होंने डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट। बताइए कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में? देख लीजिए, इन द वेरी फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर का हेडिंग समझा दिया है। इस चैप्टर का हेडिंग क्या था? इक्विलिब्रियम प्राइस बताओ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताओ। चैप्टर का बेसिक समझा दिया तुम्हें, तुम्हें चैप्टर का ना एक क्रक्स मैंने समझा दिया। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हमारा यही लॉजिक है। अगर आप देखोगे डीडी मेरा क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। एसएस क्या है मेरा? मार्केट सप्लाई कर्व। शो द क्वांटिटी ऑफ द बॉल पेन्स डिमांडेड एंड सप्लाइड एट द डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ए, है ना। सर ए पॉइंट क्या शो कर रहा है? ए पॉइंट क्या शो कर रहा है? ए पॉइंट शो कर रहा है कि मेरी जो डिमांड है और मेरी जो सप्लाई है वो 20-20 इक्वल है। मतलब जितना सामने वाले को चाहिए उतना सामने पीछे वाले को देना है, बेचना है, है ना। सर ये कब हो रहा है? जब बॉल पेन का प्राइस 2.5 रुपये है, व्हेन इट इज़ 2.5 रुपीज़ द प्राइस ऑफ द बॉल पेन, है ना। सर अगर मेरा मार्केट प्राइस जो है बॉल पेन का 2.5 रुपये होगा, है ना, तो वी विल बी एट एन इक्विलिब्रियम, द डिमांड एंड द सप्लाई फोर्सेज विल बी इक्वल। दैट मीन्स माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी 20 यूनिट्स, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सर अगर मैं अपनी प्राइस को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं प्राइस को बढ़ा देता हूँ 3 रुपीज़ कर देता हूँ, है ना, एट दिस प्राइस आई विल बी सप्लाइंग 22 पेंस, मैं 22 पेंस पर सप्लाई करूँगा, लेकिन मेरी जो डिमांड है वो होने वाली है 16, तो मतलब आई विल बी सप्लाइंग मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड, आई विल बी सप्लाइंग मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड। आई रिपीट माई सेल्फ, आई विल बी सप्लाइंग मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड। तो मेरा सप्लाई बढ़ता जा रहा है लेकिन डिमांड कम होता जा रहा है, मेरा सप्लाई बढ़ता जा रहा है लेकिन डिमांड कम होता जा रहा है। तो आप देख सकते हो आई विल बी एट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। मैंने यहाँ पे क्या समझा दिया? एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन समझा दिया। सर अगर मैं प्राइस रिड्यूस कर देता हूँ, देखो 2 से 2.5, अब देखो मैं अगर एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन पे हूँ तो मैं क्या करूँगा? सर मैं अपनी प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। सर कब तक रिड्यूस करूँगा? जब तक वो इक्वल नहीं हो जाती। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, देखो बेटा अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर हूँ, आई चेंज द कलर, मैं अगर इस पॉइंट पर हूँ, राइट, इफ़ यू कैन सी, अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, है ना, अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ जहाँ पर मेरी, है ना, अगर आप देख सकते हो जहाँ पर मेरी प्राइस भी ज़्यादा है, मेरी क्वान्टिटी भी ज़्यादा है, मेरी सप्लाई ज़्यादा है, मैं अब क्या करना चाहूँगा? सर मैं प्राइस को रिड्यूस करना चाहूँगा। सर जब मैं प्राइस रिड्यूस करूँगा तो मेरी सप्लाई भी कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, जब मेरी सप्लाई कम हो जाएगी तो मैं यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाऊँगा, हैंस इक्विलिब्रियम विल बी अटेंड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेर इन आई एम, मैंने प्राइस को ना कम कर लिया, मैंने प्राइस को ना यहाँ पे कम कर दिया। जब मैंने प्राइस को कम कर दिया, आप देख सकते हो सर मेरी, सर मेरी जो सप्लाई है वो कम है, मेरी प्राइस कम है तो सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आई एम आस्किंग फॉर मोर बट माई प्राइस इज़ लो। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा? सर मैं प्राइस इंक्रीज़ करूँगा जिससे मैं सप्लाई इंक्रीज़ कर सकूँ, मैं प्राइस इंक्रीज़ करूँगा जिससे मैं सप्लाई इंक्रीज़ कर सकूँ। इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द सप्लाई व्हाट विल आई डू? आई विल रीच एट एन, आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई, जिसकी वजह से मेरी डिमांड और रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। वेर कब तक रिड्यूस होगी ये? कब तक रिड्यूस होगी? सर ये तब तक रिड्यूस होगी जब तक मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता। देख लो अंग्रेजी में बस इन्होंने यही लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने यही लिखा हुआ है, When the price is 2 rupees, है ना, at this price there will be excess demand. 25 balls of pens are demanded, whereas 17 pens are supplied. Excess demand will increase the price. मेरी price increase करेगा, price कब तक increase करेगा? जब तक वो 2.5 नहीं हो जाता और मेरा demand और supply इक्वल नहीं हो जाता। That's the entire competition. That's the entire concept here. I hope the concept is very clear. मेरे ख्याल से ये concept बिल्कुल clear होना चाहिए, किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए इसमें। Next अगर आप देखोगे, सर मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी जब हम डिमांड एंड सप्लाई कर रहे थे। देखो ये डिमांड कर्व है ना, ये सप्लाई कर्व है। सर ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, सर ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। जल्दी से सोच के बताओ, अगर इफ़ आई हैव एन इंक्रीज इन डिमांड और इफ़ आई हैव अ डिक्रीज इन डिमांड, सर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है ना, मेरा इक्विलिब्रियम लेवल चेंज हो जाएगा ना। देखो पहले इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे था,
अब देखो मेरा अगर डिमांड कर्व चेंज हो गया तो ये देखो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ये हो जाएगा, प्राइस भी कम हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। सर मेरा अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ गया तो देखो मेरा प्राइस भी चेंज हो गया, क्वांटिटी भी चेंज हो गई। हम बेसिकली अब समझना चाह रहे हैं कि सर मेरे अगर डिमांड में चेंज आ गया, क्या बोला, इफ़ देर इज़ अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट मतलब मेरा डिमांड कर्व चेंज हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, क्या बात कर रहा हूँ, मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। तो वेन देर इज़ अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना, एंड मेरा सप्लाई कर्व कॉन्स्टेंट है, मेरा सप्लाई कर्व बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, डिमांड कर्व चेंज हो रहा है, सप्लाई कर्व कॉन्स्टेंट है, डिमांड कर्व चेंज हो रहा है, सप्लाई कर्व कॉन्स्टेंट है, मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अगर आप देखोगे सर मेरा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, मेरी डिमांड डिक्रीज हो रही है, देखो क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है ना, देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, है ना। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, मैं डिमांड कम करने वाला हूँ। जब मैं डिमांड कम करने वाला हूँ तो आप देख सकते हो कॉन्सेप्चुअली, देख लीजिए कॉन्सेप्चुअली, ये मेरा डिमांड कर्व है, मेरा नया डिमांड कर्व नीचे की तरफ आने वाला है, सप्लाई कर्व तो वही है। देखो बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस पहले ये था, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस था, अब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो गया इवन, है ना। सर मेरा प्राइस भी कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई, तो आप देख सकते हो इससे इम्पैक्ट क्या होगा। सर मेरा अगर डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, सर मेरी प्राइस भी कम हो जाएगी, मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगी, मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, दैट्स द फर्स्ट इम्पैक्ट, ईजी। सर सेकेंड इम्पैक्ट, मैंने क्या बोला, सर मैंने सेकेंड इम्पैक्ट क्या बोला, देख लीजिए सर मेरा सेकेंड इम्पैक्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सर ये तो मैंने बोला जब मेरा सप्लाई कर्व बिल्कुल नॉर्मल है, सर हो सकता है ना, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना कि मेरा जो सप्लाई कर्व है, आप देख सकते हो ये जो ए है, है ना सर, इसका मतलब क्या है, मेरा सप्लाई कर्व देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जल्दी से बताइए, मेरा सप्लाई कर्व अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई इन इलास्टिक है, क्या है, सप्लाई इन इलास्टिक है, सप्लाई इन इलास्टिक है। सर जब सप्लाई इन इलास्टिक है तो अगर मेरा डिक्रीज़ हो रहा है तो मेरी क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, लेकिन मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डिमांड में कमी होने की वजह से सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई तो सेम है, तो सप्लाई की क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, किस में चेंज हो रहा है, केवल प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक। अब मैंने बोला कि सर मेरा जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक से मेरा कहने का मतलब क्या है, देख सकते हो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, सप्लाई कर्व जो है वो मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बेटा अगर अब आप देखोगे मेरा डिमांड कर्व अगर कम हो रहा है तो देख लो मेरी क्वांटिटी में तो चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है बी पार्ट में क्या हो गया, सर मेरा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस तो दोनों केसेस में सेम है लेकिन मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो अब कम हो जाएगी, पहले क्या थी अब कम हो जाएगी क्योंकि मेरा सप्लाई कर्व वही है। लेकिन अगर आप देखोगे सी पॉइंट में अगर आप देखोगे, सर इट इज़ नीदर परफेक्टली इलास्टिक नीदर परफेक्टली इन इलास्टिक, ऐसी सिचुएशन में मेरे प्राइस भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, दिस इज़ माई नॉर्मल केस। तो हमने आपको समझाया, अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया, देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, इफ़ आई एम साउंडिंग अ लिटिल फास्ट, ठीक है ना, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड रिड्यूस कर लो, बिकॉज क्या होगा ना, देर आर अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु डिमांड कि सर जल्दी जल्दी समझा दो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, पेपर बहुत जल्दी आने वाला है ना, एंड दिस इज़ सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आपने पहले 11th 12th में पढ़े हुए हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, जैसे अभी चैप्टर नंबर 6 में आपका एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, तो वो नए कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा डिटेल में आराम आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना। जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैं उन कॉन्सेप्ट्स में आराम आराम से चलूँगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रेपिटेटिव नेचर के हैं ना, मैं उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा जल्दी जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द वीडियोज़ टू बी एलोंगेटेड अनवॉन्टेडली, मैं लंबी लंबी वीडियोज़ बनाऊँ, मुझे मैं भी नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, पेपर का टाइम चल रहा है बेटा, जब हम मजे करेंगे तब मजे में मस्त वीडियोज़ देख सकते हैं, लंबी लंबी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो आप स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट, ओके, बट प्लीज़ बेयर विद मी, बिकॉज मेरे को पीपल एट लार्ज को अकोमोडेट करना है,
सर मैं यहाँ पे आपको एक क्विक समरी दे रहा हूँ। मेरा डिमांड कर्व पहले ये था, अब डिमांड कर्व हो गया है ये, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन नंबर वन में आया, मेरा सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दिस इज़ माई सप्लाई कर्व, ठीक है। व्हेन दिस इज़ माई सप्लाई कर्व माई, तो ऑप्शन नंबर वन में मेरे पास क्या आया सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी सेम, इक्वल रहेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वो तो हमेशा कम होगा, क्योंकि आपको याद रखो, अगर इफ़ देर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड, इफ़ देर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड, इफ़ देर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों कम होने वाली है। सेकेंड सिचुएशन मैंने बोली कि जब वो पैरेलल टू वाई एक्सेस है, व्हेन इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सेस, मैंने बोला इक्विलिब्रियम पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, सॉरी, है ना, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस तो इक्वल होने वाला है, लेकिन लेकिन मेरी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि रिडक्शन है। सर तीसरा केस मैंने बोला, अगर वो कॉन्स्टेंट है, मतलब नॉर्मल कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, तो इफ इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, व्हाट विल इट हैपन, सो तीसरा सिचुएशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट्स द केस, दैट्स इट, दैट्स द ओनली केस वी हैव। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम हमेशा प्राइस रखते हैं, यहाँ पर हमेशा क्वांटिटी रखते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है, दैट्स इट। ये आपको डायग्रामेटिकली समझाना है। एग्जाम में अगर आता है सर क्या हम ये एक ही डायग्राम बनाकर आ सकते हैं क्या, तीनों बना के, नहीं बाबा नहीं, ये खिचड़ी मत बनाना भाई, इस तरीके से एग्जाम में अलग अलग बताना। यहाँ पर उन्होंने ए बी सी एक्सप्लेन करा है, वहाँ पर लेबलिंग करना प्रॉपर, कि दिस इज़ द सिचुएशन वैन द सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज द सिचुएशन वैन सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, एंड दिस इज द सिचुएशन वैन द सप्लाई कर्व इज़ नॉर्मल, अपवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल कर्व, है ना, राइट। ऐसे तीन अलग अलग डायग्राम बनाकर आओगे तभी नंबर मिलेंगे भाई, लंबा आंसर कैसे होगा, सो रूलर से नापेंगे ना भाई, वो कैसे नापेंगे भाई, ऐसे नापेंगे ना, तो प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करना, अच्छे से लिख कर आना पेपर में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, व्हेन वी हैव अ राइटवर्ड शिफ्ट, व्हेन वी हैव अ राइटवर्ड शिफ्ट सर, व्हेन वी हैव अ राइटवर्ड शिफ्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू सर, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड सर, इंक्रीज इन डिमांड मतलब प्राइस भी बढ़ेगा सर, क्वांटिटी भी बढ़ेगा, उल्टा इम्पैक्ट। पहले क्या था सर, पहले क्या था सर, पहले क्या था, डिक्रीज हो रही है डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, प्राइस भी कम होगा, क्वांटिटी भी कम होगी। यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पर क्या हो गया, ओहो, डिमांड ही बढ़ गई सर, डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो मतलब प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, हमें तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। सेम आंसर, बस ऑपोजिट इम्पैक्ट्स, सेम आंसर ऑपोजिट इम्पैक्ट्स, देख लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई, यहाँ पर प्राइस बढ़ गई, इलास्टिक इन इलास्टिक, सीधी बात सर, यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस दोनों बढ़ गई, काम खत्म, तीनों सिचुएशंस खत्म। आप देख सकते हो चैप्टर के दो एलिमेंट्स कंप्लीट कर चुका हूँ, तीन एलिमेंट्स है इस चैप्टर में, तीन एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स मैंने अराउंड 22 मिनट्स में आपके निपटा दिए हैं, 20 से 22 मिनट में निपटा दिए हैं। तीसरा एलिमेंट इससे भी आसान है, तीसरा एलिमेंट बोलता है सप्लाई कर्व में चेंज हो रहा है, सर सप्लाई कर्व में चेंज होगा, सप्लाई कर्व में चेंज हो रहा है तो अगर आप देख रहे हो, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, है ना सर, डिमांड में सेम सेम चलता है, डिमांड कम हुआ, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम सेम, कम कम होगी, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इंक्रीज होगा, सप्लाई में उल्टा चलता है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई दैट मींस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो रही है देखो, है ना, और व्हेन देयर इज अ डिक्रीज, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज, आप देख सकते हो क्या होगा, क्या होगा देख लीजिए, हमारा डिक्रीज, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई दैट मींस इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इंक्रीज, मैंने उल्टा बोल दिया, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई देयर इज अ इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई देयर विल बी अ डिक्रीज इन क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट्स द केस, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी, सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सबको एकदम क्लैरिटी मिलनी चाहिए। चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा छोटू सा चैप्टर था, 25 मिनट में मैंने निपटा दिया है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है भाई तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन चैप्टर में मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई, हम कभी भी चेंज जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नहीं देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं हम, इंक्रीज एंड डिक्रीज देखते हैं, मतलब व्हेन देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, हमारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, वो चेंज ही हो रहा है ना, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई, दैट्स व्हेन वी सी द कर्व, वी डू नॉट सी द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हियर, वाई, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का देखो इम्पैक्ट बेटा आप यहाँ पर समझ चुके हो, देखो देखो इसी में ही समझ लिया था ना,
सर जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो तुमने यहीं कर लिया ना बेटा, फर्स्ट वाले में ही कर लिया, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का इम्पैक्ट आप कभी भी चेंज इन डिमांड में नहीं लोगे, दैट्स इट राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे टर्मिनल एंड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने कहा करा देता हूँ। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस, देख के ही लग रहा है सर जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज 48, इक्विलिब्रियम प्राइस इज 48। अब केवल ये एक लाइन लिखने आने से काम नहीं चलेगा ना, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द डा 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 डी डी डा डी डी डा डी डी डा 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 हेंस इन द गिवन शेड्यूल टा 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 टा। ठीक, समझ आ गया, समझ आ गया, लिख लेंगे। चलिए, व्हेन वी से व्हाट वुड बी द एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई एंड और सप्लाई, बोलता है और एक्सेस सप्लाई जब प्राइस 32 है। सर इक्विलिब्रियम प्राइस 48 है, अगर मेरी प्राइस 32 होगी तो ऑब्वियसली मेरी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कर्व है, तो यहाँ पर सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड का कर्व बनाओगे, एक्सेस डिमांड को डिटरमाइन करोगे कि प्राइस मेरा है 32, है ना, प्राइस मेरा है 32, डिमांड है, तो आप देख सकते हो देर इज़ एन एक्सेस डिमांड। और सर एक्सेस डिमांड कितने की है, सर यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 120, तो मतलब डिफरेंस है 60 यूनिट्स का, तो 60 यूनिट्स की मेरी एक्सेस डिमांड है, राइट। ऐसे आप डायग्रामेटिक बनाओगे, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे, है ना, लेबलिंग तो कर लोगे, कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। सर प्लॉट इन डायग्राम, डायग्राम में प्लॉट करके बताओ क्या बनाओगे, तीसरे पार्ट के लिए डायग्राम क्या बनाओगे, सीधा वो बनाओगे, है ना, डिमांड कर ये जहाँ पे ये मैच कर रहा है वहाँ पर, तो आप वो लिख दोगे कि प्राइस मेरी 48 है, ये मेरी 100 है, और अकॉर्डिंगली बाकी की प्लॉटिंग कर दोगे, दैट्स इट। इस टाइप का आपका ये एक प्लॉट बन जाएगा, सिंपल। 8 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्क्स का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन, है ना, 5 5 मार्क्स ईच, 3 3 मार्क्स ईच करके भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, राइट। सर डिटरमाइन द न्यू प्राइस क्वांटिटी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई गिवन दैट द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता मैं, हाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से समझ चुके हूँ, पर डिक्रीज इन डिमांड बताओ अगर मेरा सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, दैट्स इट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लेसन 5 का डिस्कशन कंप्लीट होता है, वी आर मूविंग ऑन टू लेसन 6 नाउ, दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो, राइट, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है भाई, आपको लग रहा है मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये आपके लिए अच्छी हैं, आपके लिए सक्सेसफुल हैं, प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और मुझे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस इज़ लाइक अ स्मॉल जेस्चर फ्रॉम यू कि हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, आप नीड में हो इन वीडियोज़ के, और मुझे सजेस्ट भी कीजिए कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी चाहते हैं मुझसे, कॉमर्स में, बी कॉम में, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड देम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, टाइमली बता दोगे तो मेरे लिए प्रोवाइड करना आसान हो जाएगा, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड देम आप, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर एंड डू शेयर द वीडियोज़ एंड डू शेयर द फीडबैक विद एवरीबडी, थैंक यू एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट लेसन, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।